खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली सरकार ने बिजली 200 यूनिट तक फ्री की है, क्या ये एक चुनावी स्टेप है? हमारे साथ मौजूद है सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के सांसद। सुशील जी, क्या अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले है, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया? देखिए, दिल्ली सरकार मानवता के विकास के लिए कार्य करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। हम 27% बजट आज दिल्ली के अंदर लगा रहे हैं शिक्षा के लिए। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, बढ़िया से बढ़िया वर्ड्स क्लास स्कूल के अंदर, वो कोई चुनावी मुद्दा लेकर हमने नहीं की। हम हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी और सरकारी हॉस्पिटलों में भी सड़क के एक्सीडेंट व्यक्ति को फ्री इलाज देते हैं। 20,000 लीटर पानी हम फ्री देते हैं दिल्ली के हर घर को। इसी प्रकार 200 यूनिट तक बिजली हमने दिल्ली के हर घर को मुफ्त देने की बात की है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार कभी जुमलों की सरकार नहीं हुई, जो कहती है वो करती है। इन्होंने कहा है कि 200 यूनिट तक कंज्यूम करने वाले लोग, जिनको पहले ही सब्सिडी अच्छी थी, वो अगर उसको हम फ्री कर दें, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, 200 यूनिट तक अगर बिजली इस्तेमाल करेगा दिल्ली के अंदर, बिजली की बचत भी होगी और ये नजायज जो बिलों का आना जाना उसके अंदर बंद होगा। 201 से 400 यूनिट तक भी बड़ी सब्सिडी दी जाएगी, लगभग 50% की। तो कहा यह जा रहा है कि चुनावों से कुछ महीने पहले ही, तो इसको उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए? नहीं, हिंदुस्तान के अंदर हमने पिछले 4.5 साल से जो हमारी सरकार है, सबसे सस्ती बिजली दी है और आगे भी हम इसका वायदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अंदर इन क्षेत्रों में काम करते हुए निरंतर जनता के लिए जो बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं वो करती रहेगी।